हे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे कॉमर्स के सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अकाउंट्स के स्ट्रेटजी के बारे में। देखो यार, पढ़ते सब है, जो फेल होता है वो भी पढ़ता है और जो अच्छे मार्क्स लाता है वो भी पढ़ता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि वो किस अप्रोच से पढ़ रहा है, किस स्ट्रेटजी से पढ़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही सही अप्रोच बताऊँगी और एक स्ट्रेटजी बताऊँगी कि आपको कैसे पढ़ना है ये अकाउंट, ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें ला सको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इस वीडियो को शुरू करते हैं इस प्यारी सी लाइन से, विच सेज द बिगिनिंग इज ऑलवेज टुडे। अगर तुम कुछ शुरुआत करना चाहते हो तो आज कर दो। देखो, जब तुम सोचोगे कि आज मुझे ये शुरू करना है, आज मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तभी क्या होगा, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ गेम खेलेगा। वो तुम्हारे को बहुत से बहाने देगा कि आज नहीं, हम कल से पढ़ेंगे, आज ये काम है, आज वो काम है। तुम समझ जाना कि वो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है और तुम्हें उस गेम में अपने दिमाग को हराना है। तुम वॉरियर हो, ठीक है, तुम्हें लड़ना है, गुलाम नहीं बनना है तुम्हें, समझे। सो द बिगनिंग इज ऑलवेज टुडे। जो भी पढ़ना है आज शुरुआत कर दो, आज बेस्ट डे है। तो चलो आते हैं टिप नंबर वन पे। टिप नंबर वन है, नो योर सिलेबस बेटर। अपने सिलेबस को सबसे पहले अच्छी तरह से जानना है। सबसे पहले तो यार तुम्हें जानना है अपने सब्जेक्ट के बारे में कि तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा है। ऑफ कोर्स कौन सा सब्जेक्ट है, अकाउंट है। ओके, क्लियर है इतना, ठीक है, हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट है अकाउंट। फिर अब तुम्हें तुम्हारे अकाउंट के सारे चैप्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ, ये चैप्टर्स हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं। साथ में तुम्हें पता होना चाहिए उसका वेटेज कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है ये भी तुम्हारे को पता होना चाहिए। और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, किस से सिर्फ लॉन्ग आते हैं, ये सब तुम्हें पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैं क्लास 12 में थी तो क्या हुआ कि एक लड़का एक दिन एब्सेंट था, ठीक है। तो जब वो दूसरे दिन आया तो टीचर ने उसको पूछा कि तुम क्यों एब्सेंट थे, तो उसने कहा मैं पढ़ रहा था। टीचर ने पूछा क्या पढ़े, बोलता है मैंने कल चैप्टर नंबर 4 पढ़ा, पूरे दिन पढ़ा, सब कुछ पढ़ डाला, थियोरी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सब। तो टीचर ने कहा क्यों इतना टाइम तूने वेस्ट किया, उसमें से तो सिर्फ 2 मार्क्स के MCQs आएंगे, बोलो। तो मुझे काफ़ी हंसी आई। तो ये तुम्हारे साथ ना हो ऐसा कुछ, इसलिए ये वाला स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने सिलेबस को पहले जानो, चैप्टर्स को जानो, वेटेज जानो कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, और ये भी जानो कि उसमें से कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब वो पता कैसे चलेगा, तो देखो वो तुम्हारे को प्रीवियस ईयर पेपर से पता चल सकता है, रेफरेंस बुक से पता चल सकता है, जिसे तुम गाइड बोलते हो या डाइजेस्ट बोलते हो, या तुम्हें क्वेश्चन बैंक से पता चल सकता है, या तुम किससे बात कर लो ना, अपने दोस्त से पूछ लो, दोस्त से नहीं हो रहा है तो टीचर से पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, क्लियर। टिप नंबर वन आई थिंक क्लियर हो गया है, नो योर सिलेबस बेटर। चलो आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर टू है, डोंट स्किप थियरी। चलो यहाँ पे कलर बदल लेते हैं हम लोग भी। सो डोंट स्किप थियरी। मुझे पता है जब आप थियरी देखते हो तो यार आपकी हालत ऐसी हो जाती है, मतलब नींद आने लगती है, क्या पढ़े थियरी, छोड़ो, बट तुम्हें थियरी नहीं स्किप करना है। एक बार तुमने आइडिया ले लिया कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है, क्या वेटेज है, क्या टाइप है, उसके बाद क्या करना है, तुम्हें उस चैप्टर का थियरी पढ़ना है। तुम्हें सिर्फ बेसिक नॉलेज लेना है, ठीक है। थियरी 1 मार्क का या 2 मार्क का ही आता है, कोई बड़ा 5 मार्क का 7 मार्क का थियरी नहीं पूछता है। तो तुमको छोटे छोटे थियरी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। थियरी एक बार रीड कर लो, ठीक है, बेसिक नॉलेज ले लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तुम्हारी बहुत मदद करेगा। सो स्टडी थियरी, उसको स्किप बिल्कुल मत करो, डू इट, ओके। बढ़ते हैं आगे, एंड द टिप नंबर 3 इज लर्न जर्नल एंट्रीज। ओके, लर्न जर्नल एंट्रीज। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मस्त उन्होंने सब कुछ पता कर लिया, वेटेज वेटेज सब पता है,
उसके बाद वो थियरी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, वो लॉन्ग सम्स पे चले जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। यार तुम लोग जादूगर हो क्या, मतलब कैसे कर लेते हो तुम एडमिशन और रिटायरमेंट के सम्स विदाउट जर्नल एंट्रीज, मुझे भी बताओ यार, मुझे भी जादू सीखना है, मतलब कुछ भी। तो देखो, जर्नल एंट्रीज तुम्हें स्किप नहीं करना है, थियोरी पढ़ने के बाद अगर उस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज हैं तो तुम उस जर्नल एंट्री को करो, लर्न करो, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, एंड तुम्हें कोई डाउट भी नहीं आता है जब तुम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि मुझे ये डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, क्या करना है, तुमको पहले से ही पता है क्योंकि तुमने जर्नल एंट्री किया हुआ है। ये हमारे प्रॉब्लम को बहुत ईजी करता है, तो जर्नल एंट्री स्किप मत करो। चलो बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 सेज डिवाइड एंड प्रैक्टिस। ब्रिटिशर्स जब राज करते थे ना, तो वो डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाते थे, तो अभी तुम्हें इसमें क्या करना है, एक बार तुमने वो शुरू के 3 टिप्स इस्तेमाल कर लिए, मतलब चैप्टर के बारे में समझ गए, थियरी पढ़ लिए, जर्नल एंट्री पढ़ लिए, अब क्या करना है ना तुम्हें, अब अपने उस चैप्टर का टॉपिक डिवाइड कर लो, समझ रहे हो, उस चैप्टर का टॉपिक डिवाइड कर लो कि हाँ भाई ये टॉपिक्स हैं। अब उन टॉपिक को डिवाइड करने के बाद उनमें सम्स प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि इसी की वजह से तुम परफेक्ट बनने वाले हो, ओके, क्लियर है इतना। चलो क्यों, देखो क्यों मैंने कहा कि डिवाइड करके प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखो अगर तुम डिवाइड नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम एक ही टॉपिक के 100 क्वेश्चंस कर लोगे, एक ही टॉपिक के 100 क्वेश्चंस कर लोगे, और बाकी के जो 2-3 टॉपिक होंगे वो तुम करोगे ही नहीं, और तुम्हें क्या लगेगा यार मैंने इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं इस चैप्टर से, तो मेरे मार्क्स बहुत बेस्ट आने वाले हैं, जो कि गलत सोच है। सो डिवाइड एंड प्रैक्टिस। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ बोनस टिप्स भी रखा है, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो इन्हें भी देख लेते हैं, अलग पेन ले लेती हूँ मैं। सो पहला है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स स्किप मत करो, उन्हें भी प्रैक्टिस करो, उन्हें भी देखो। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंट्स में टाइम बहुत मायने रखता है, तो तुम स्टॉप वॉच या क्लॉक इनकी हेल्प लो और प्रैक्टिस करो। एग्जाम्पल मुझे ये फाइनल अकाउंट 15 मिनट में कर लेना है, मुझे एडमिशन का ये सम 15 मिनट में कर लेना है, ऐसे तुम टाइमर लगा लगा के प्रैक्टिस करो। तीसरा, एक्यूरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो सिर्फ टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है, आंसर तुम्हारा सही भी आना चाहिए, एक्यूरेट भी आना चाहिए। अब हर बार तुम्हारा आंसर सही होगा ये ज़रूरी नहीं है, बट कोई बात नहीं, जब तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम एक्यूरेट हो जाओगे, तुम्हारे आंसर सही आने लगेंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, ओके। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 है, रिटन प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। देखो मैंने बहुत सारे नमूनों को ये देखा है कि वो क्या करते हैं, सिर्फ सम्स देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, और कहते हैं कि हमारा पूरा सिलेबस हो गया। यार तुम एग्ज़ाम में क्या करने वाले हो, लिखने वाले हो या अपने एग्जामिनर को दिखाने वाले हो कि हाँ बोल बोल के बताने वाले हो क्या, नहीं ना, लिख के वहाँ पे करोगे ना। तो यहाँ जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी तुम लिखो ना, तुम क्यों ऐसे हवाबाजी करते हो। सो रिटन प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। तो ये बोनस टिप्स थे, आगे बढ़ते हैं। तो ये बोनस टिप्स थे, अब हम एक बार इस वीडियो का कंक्लूशन देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें अपने सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए, ओवरव्यू ले लेना है, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन से टाइप का क्वेश्चन आता है ये देख लेना है, थियोरी स्किप नहीं करना है, जर्नल एंट्रीज लर्न करनी है और डिवाइड करके प्रैक्टिस करना है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर कर दो इसे अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ये देख के आई एम रियली हर्टेड यार, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब।